कंपनी टू देथफुल रूलर्स ऑफ द कंपनी कुछ एरियाज ब्रिटिश ने अपने पास रख लिया जिनका नाम था एजाइन टेरिटरीज और बाकी के कुछ एरियाज अपने फेथफुल राजाओं को दे दिए ताकि वह उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकें और वहां से रेवेन्यू वगैरह जो भी कलेक्ट होगा वह करके ब्रिटिश को दे सके अब ये जो दूसरी तरह की टेरिटरीज हैं इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या है जैसे कि फारूख नगर फारूख नगर एंड बल्लभगढ़ एग्जाम्पल्स फारूख नगर एंड बल्लभगढ़ उसके बाद नाउ द हरियाणा वॉज डिवाइडेड इंटू वेरियस परगनाज जैसे आजकल हमारे यहां डिविजन और सब डिविजन होती हैं वैसे उस वक्त की सब डिविजन को परगना कहा जाता था सो द हरियाणा ऑफ दैट टाइम वॉज डिवाइडेड इंटू परगनाज divided into parganas and various parganas various parganas were given were given to various people for example for example for example लोहारू लोहारू एंड फिरोजपुर झिरका लोहारू एंड फिरोजपुर झिरका वॉज गिवन टू अहमद बख्श खान अहमद बख्श खान एंड एंड पटौदी परगना पटौदी परगना वॉज गिवन टू फैज खान दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स इस तरह से ब्रिटिश ने हरियाणा को ऑक्यूपाई कर लिया कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया यानी कि ब्रिटिश का मतलब है यहाँ पे कंपनी ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो कुछ एरिया अपने पास रख लिया कुछ आगे डिवाइड कर दिया सो दिस इज हाउ इट है बाय द ईयर 1809, बाय द ईयर 1809 East India Company East India Company took full control of Haryana took full control of Haryana यानी कि जिन लोगों को ये परगनाज या फिर ये जो टेरिटरीज असाइन की गई थी वो भी उनका डायरेक्ट रोल नहीं था वहां पे। Indirectly, they were acting as the caretakers of the British.